दर्शकों नमस्कार, सिटी अंचल में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों के साथ मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र बच्च। सभी दर्शकों को 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिटी चैनल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आइए सबसे पहले नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। ये कान तिरंगा है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मुख्यालय पर गरिमामयी कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं आवास निर्माण मंत्री जयवर्धन सिंह ने फहराया लाल परेड पर राष्ट्र ध्वज। दक्षिण निरीक्षक के कमांड में जिला पुलिस दल और एसएफ एनसीसी एनएसएस सहित विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक व अनुशासित मार्च पास्ट कर दी। नगरीय प्रशासन मंत्री को सलामी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लाल परेड पर उपस्थित हजारों दर्शकों का मन मोहा। वर्ष भर में शानदार सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लाल परेड पर किया गया नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा सम्मानित। पुलिस विभाग के विवेक शर्मा, अवनीश शर्मा, अनिल साहू सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारियों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किया गया सम्मानित। नीरज बिरथरे को सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी के रूप में किया गया सम्मानित। कोतवाली के आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा को लगातार तीसरे साल स्थायी वारंटियों को पकड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए किया गया लाल परेड पर सम्मानित। लाल परेड पर आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट स्कूल के छात्र छात्राओं ने मारी बाजी, रहे प्रथम, प्रेसिडेंसी रहा दूसरे स्थान पर। विभिन्न विभागों द्वारा भी आज लाल परेड पर निकाली गई आकर्षक झांकियां। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय पीजी कॉलेज और नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज आयोजित की गई मिनी मैराथन दौड़। देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने किया ध्वजारोहण। शिशांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर पर भक्तांबर के माध्यम से हीलिंग के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। लगभग 3 घंटे तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। अशोकनगर में चल रही थर्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जूनियर वर्ग में गुना की आज्ञा जैन पहुंची फाइनल में। जूनियर बालक वर्ग में आदि जैन भी पहुंचे फाइनल में। नगरीय विकास एवं आवास निर्माण मंत्री ने आज शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग, साथ ही शहर के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी की मुलाकात। चाचड़ा क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर में घुसी, बस चालक सहित 3 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना। आरोन जनपद में जनपद अध्यक्ष अशोक सिंह रघुवंशी ने किया ध्वजारोहण। बच्चों ने दी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। चाचौड़ा जनपद में विधायक लक्ष्मण सिंह ने किया ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के पश्चात विभिन्न स्कूली बच्चों ने दी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। इसे अपने आप को प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम कहें या भावी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर पुरानी छावनी में लोगों ने मनाया एक जानवर का दस्टोन। हर्ष उल्लास आयोजन कार्यक्रम के माध्यम से गायक भी पहुंचे गायन करने और लोगों ने भी मजाक के बीच कार्यक्रम का लिया मजा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह हुआ ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम। नगरीय विकास मंत्री एवं आवास निर्माण मंत्री जयवर्धन सिंह ने आज शहर में प्रेस से जुड़े लोगों से की बातचीत और पत्रकारों के सवालों के दिए जवाब। गुना जिले में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस तारतम्य में जिला मुख्यालय पर प्रमुख कार्यक्रम लाल परेड पर आयोजित हुआ, जहां गरिमामयी कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास निर्माण मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने आज ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विभिन्न जिला पुलिस बल, एसएफ, एनसीसी, एनएसएस और स्कूल स्टूडेंट जो कैडेट कोर है, इसके साथ अन्य छात्र छात्राओं ने शानदार मार्च पास कर मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। और उसके पीछे जिला संघ स्काउट का गायक दल गौरव रैकवाल के नेतृत्व में
समय में उसके सामने से गुजरता हुआ। आज के इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल, एमएलवी, वंदना कॉन्वेंट और प्रेसिडेंसी स्कूल ने अपने अपने स्कूली छात्र छात्राओं के माध्यम से शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें जमकर पूरे लाल परेड मैदान पर सराहा गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम स्थान पर जहां उत्कृष्ट स्कूल रहा, वहीं दूसरे स्थान पर प्रेसिडेंसी स्कूल के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी और इस गरिमामयी कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्ष भर में उनके द्वारा की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भी सम्मानित किया गया। इस क्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मंच पर नगरीय विकास एवं आवास निर्माण मंत्री द्वारा प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सम्मानित होने वाले जो अधिकारी थे वे मुख्य रूप से विवेक शर्मा, श्री अवनीश शर्मा, अनिल साहू, नीरज बिरथरे और अन्य अधिकारियों के साथ कोतवाली के आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा भी शामिल थे। नीरज बिरथरे को सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं कोतवाली के आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा को स्थायी वारंटियों को पकड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने पर लगातार तीसरे साल भी लाल परेड पर सम्मान मिला है। श्री विवेक शर्मा उप पुलिस अधीक्षक सेना भर्ती नगर पालिका चुनाव रावगढ़ एवं जिले में अन्य कानून व्यवस्था दिल्ली में नगर एवं मेहनत से कार्य करने के लिए निरीक्षक श्री अवनीश शर्मा मंजिल ने थाना प्रभारी कोतवाली गुना लंबित अपराधों के निराकरण एवं शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित। निरीक्षक श्री डीपीएस चौहान थाना प्रभारी रामगढ़ थाना रावगढ़ में नगर एवं मेहनत से कार्य करने के लिए निरीक्षक श्री अनिल कुमार साहू PA2SP गुना पुलिस अधीक्षक के निस्सहायक रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। श्री अनिल कुमार साहू आमंत्रित है। उप निरीक्षक श्री नीरज बिरथरे थाना प्रभारी कानाउगा सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी के रूप में आपको सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 5 लाख से अधिक इनामी राशि के अपराधियों को गिरफ्तार करने, अपराधों का निराकरण करने, संपत्ति संबंधी अपराधों में बरामदगी एवं थाने से संबंधित सभी कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन। आमंत्रित है उप निरीक्षक श्री राम शर्मा थाना जामनेर, आरक्षक 406 अजय कुमार थाना गोलवाली गुना, आरक्षक 678 गौरीशंकर थाना कैंट गुना, आरक्षक 716 दिलेन गुंजर थाना कैंट गुना। आप सभी को इनामी अपराधियों स्थायी वारंट की तामील के लिए आप आकर के अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आमंत्रित है उप निरीक्षक श्री कृपाल सिंह थाना प्रभारी फतेहगढ़
अपराध पर चालान शिकायत नगर निगम मेहनत से कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। क्या बता? सहायक उप निरीक्षक मसीह खान, प्रभारी साइबर सेल गुना एवं आरक्षक सो कुलदीप साइबर सेल गुना, आप दोनों को ही साइबर सेल में कार्य हुए अपराधियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामद में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने के लिए सम्मानित किया गया। सहायक उप निरीक्षक आशा लता पवार, निर्भया मोबाइल गुना, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान के आसपास लगातार कष्ट करने असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। कृपया आए आशा लता पवार। प्रधान आरक्षक 452 मनोज तिवारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गुना, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव एवं सीसीटी एनएस संबंधी कार्य लगन एवं मेहनत से करने के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आरक्षक 335 सुरेंद्र मिश्रा, आरक्षक 598 हरि सिंह सैन, जिले में सर्वाधिक स्थायी वारंटियों को पकड़कर गिरफ्तार कराने श्री सुरेंद्र मिश्रा को स्थायी वारंट तामील करने के लिए लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। उनकी कर्तव्य परायणता, साहस और ईमानदारी के लिए लगातार तीसरी बार उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। इस अभियान के तहत उन्होंने प्रदेश भर से फरार वारंटियों को कई दिनों से पकड़कर न्यायालय तक पहुंचाया। आमंत्रित है आरक्षक 242 दीपक त्रिपाठी, थाना धरनावला, आरक्षक दिनेश शर्मा थाना आरोप, आरक्षक देवेंद्र मीणा थाना नालोगढ़, अपने अपने थाना क्षेत्र में संपत्ति संबंधी अपराधों में बरामदगी, कानून व्यवस्था, स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी में लगन एवं मेहनत से कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित है आरक्षक 70 कमल डामोर थाना चाचोड़ा, आरक्षक 19 सोहन अनारे थाना चाचोड़ा, निरीक्षक श्री वीर सिंह सप्रे की हत्या करने वाले आरोपी गणों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आरक्षक महेश त्यागी जिला विशेष शाखा, आरक्षक महेश त्यागी आमंत्रित है असूचना संकलन में लगन एवं मेहनत से कार्य करने के लिए आपको उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आरक्षक महेश त्यागी। आज के इस आयोजन के अवसर पर जैसे ही मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री एवं आवास निर्माण मंत्री महोदय श्री जयवर्धन सिंह का आगमन हुआ, लाल परेड पर करतल ध्वनि से उनका अभिवादन सभी ने किया और इसके पश्चात कार्यक्रम की हुई शुरुआत। परेड पर सलामी कार्यक्रम का निरीक्षण किया मुख्य अतिथि महोदय ने और उसके पश्चात राष्ट्रगान के दौरान सभी लाल परेड पर राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत थे, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और सभी ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रगान में सहयोग किया। इसके पश्चात सलामी गारद का निरीक्षण किया गया और फिर शुरू हुआ मार्चपास्ट का सिलसिला। विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने नेतृत्व में उनकी टुकड़ियों के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां देकर अनुशासित ढंग से मार्चपास्ट की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया और विभिन्न स्कूलों में और संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ध्वजारोहण की प्रारंभ में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने आज ध्वजारोहण किया और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही साथ कलेक्ट्रेट में भी गुना कलेक्टर भास्कर लक्ष्यकार ने ध्वजारोहण किया और कोतवाली में अवनीश शर्मा ने आज ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। आरोन क्षेत्र से भी हमें ध्वजारोहण के समाचार प्राप्त हुए हैं। आरोन में जनपद अध्यक्ष अशोक सिंह रघुवंशी द्वारा आज एक गरिमामयी कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया गया और इसके पश्चात आरोन जनपद में आयोजित हुए कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। हमारे आरोन के सहयोगी मिथुन शर्मा ने हमें ये जानकारी भेजी है।
आज सारी रात क्या बताओ मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ इसके साथ ही आरोन महाविद्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया और गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। वहां पर भारी संख्या में छात्र छात्रा पहुंचे हुए थे। कॉलेज प्राचार्य ने इस मौके पर ध्वजारोहण किया और उसके पश्चात विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। शराब विस्की रम जैसे नशीले पदार्थों को सेवन करके लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं। ये पदार्थ कुछ समय के लिए लोगों को सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। म्याना क्षेत्र से भी ध्वजारोहण के समाचार प्राप्त हुए हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यासागर कॉन्वेंट स्कूल में स्कूल संचालकगण और स्कूली छात्र छात्राओं ने आज गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। इस मौके पर ध्वजारोहण किया गया और उसके पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी शानदार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और नेहरू युवा केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें उत्साह के साथ छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर अखिलेश जैन ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगरीय विकास एवं आवास निर्माण मंत्री जयवर्धन सिंह के आज गुना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह उनके स्वागत के लिए जहां स्टॉल लगे हुए थे वहीं वे इस दौरान विभिन्न नागरिकों से मिलने भी पहुंचे। इस दौरान आज उनके गुना आगमन पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न अन्य संस्थाओं ने उनसे मुलाकात की और उन प्रतिनिधि मंडल ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अपने अपने सुझावों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मंत्री महोदय को सौंपा। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर पर अखिल भारतीय महिला युवा परिषद द्वारा आज एक भक्तांबर हीलिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 3 घंटे तक चलने वाले इस भक्तांबर हीलिंग प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से भक्तांबर के विभिन्न पदों के माध्यम से किस प्रकार से बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर बहुत ही गंभीरता से प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर बाहर से आए हुए अतिथियों ने इस प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी, केवल यही कहा गया कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो शामिल होंगे वे ही इसके बारे में सही ढंग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ के हो गया और वो कुत्ता जो था ना फिर क्या कर रहा था पूरा, जैसे अपन मंदिर में साष्टांग होते भी पड़े रहते दो हाथ दो पैर दूसरे वो पूरा का पूरा जब तक वो स्तोत्र नहीं हुआ वैसा पड़े रहे और उसके बाद राजा वो जैसे ही भेजे वहां तो राजा की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल ए टू जेड रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद फिर 3 दिन बाद क्या फिर पूरी की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई तो फिर मंजू दीदी बोलती हैं, बोले कि अनीस अब हम एक चीज ये पूछेंगे कि या तो आप लिख के दे दो कि ये भक्तामन स्त्रोत से सुधरा है या फिर ये बताओ कि आपने कैसे बोले कि ये मरेगा, बताओ ना कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं तो फिर यार बताओ आप कैसे बोलो या फिर आप इस चीज को मानो कि आदिनाथ भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि वो बच गया। तो एट लास्ट में सबने क्या बोला आदिनाथ भगवान की अभी बता रहा हूं मैं, ये मेरे मोबाइल यहाँ पर एक फोटो दिखा रहा हूँ, वो प्रोजेक्टर वगैरह में दिखाने की रहती हूँ दिखाऊ क्या इसमें, मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ कि आपके। वैसे तो कहा जाए कि अपने आप को प्रचारित करने के लिए बहुत सारे साधन है, आप टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, फ्लैक्स बैनर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आप अपने आप को समाज में, राष्ट्र में, शहर में, गांव में प्रचारित कर सकते हैं और अपने आप को एक जानी मानी शख्सियत बना सकते हैं।
लेकिन प्रचार का ये एक अनोखा तरीका हमने गुना में देखा, वो भी पुरानी छावनी में। हमने आपको दो दिन पहले एक खबर बताई थी कि एक जानवर या जो कहे कि एक जो स्वान होता है उसका दस्ट्रोन का कार्यक्रम कुछ लोग बना रहे हैं और उसके लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा कर बाकायदा पूरी तैयारियां की हैं। अब इस स्वान का जो दस्ट्रोन बनाया गया उसके लिए कल रात बाकायदा एक कार्यक्रम हुआ, हर्षोल्लास उसको नाम दिया गया। इसमें पूरे उत्साह के साथ स्वान को मुकुट लगाया गया, उसे माला पहनाई गई, उसे गोद में लिया गया और फिर जो बाहर से आए हुए गायक कलाकार थे उन्होंने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। और इन प्रस्तुतियों के साथ आश्चर्य की बात यह भी रही कि पूरे उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने इस पर नृत्य भी किया। अब लोग एक तरफ तो पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आयोजक गणों का मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन खुले में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कहा जब हमें मजा मिल रहा है तो हम क्यों ना लूटें, कोई पैसा खर्च कर रहा है तो खूब करें। अशोकनगर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही तीसरी बैडमिंटन प्रतियोगिता में, इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गुना की आन्या जैन और आदि जैन ने शानदार प्रदर्शन किया है। आन्या जैन ने जूनियर वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए बालिका वर्ग में फाइनल में अपना स्थान नियत कर लिया है। वहीं आदि जैन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। 25 से लेकर 27 जनवरी तक खेली जा रही इस तीसरी बैडमिंटन प्रतियोगिता में ये गुना के नन्हे मुन्ने बच्चों की शानदार प्रस्तुति है। लाल परेड पर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली छात्र छात्राओं ने जो प्रस्तुतियां दी उसमें प्रथम स्थान पर जहां उत्कृष्ट स्कूल रहा वहीं दूसरे स्थान पर प्रेसिडेंसी ने अपना स्थान बनाया, तीसरे स्थान पर MLB स्कूल की छात्राएं रहीं। इस पूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों के दौरान 5 स्कूलों को चयनित किया गया था जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर लाल परेड पर उपस्थित सभी दर्शकों का पूरी तरह से मद मोह लिया। Yeah.
इस अवसर पर विभिन्न झांकियां भी निकाली गई। विभिन्न विभागों द्वारा जो झांकियां निकाली गई थी उनमें उनके द्वारा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्य और भावी समय में किस प्रकार की योजनाएं सरकार की हैं जो कि लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी हैं, जिनसे जनता को मदद मिलेगी, उन्हें फायदा होगा, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें प्रस्तुतिकरण करते हुए ये झांकियां आज लाल परेड पर निकली, जिन्हें सभी दर्शकों ने जमकर सराहा। इसमें किसान कल्याण एवं पशुधन विकास की विभाग की जो झांकी है उसको दूसरा स्थान मिला है। वहीं शौर्य दल जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी थी उसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में शानदार आकर्षक और अनुशासित परेड के माध्यम से जहां जिला पुलिस बल SAF NCC NSS और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रा मौजूद थे, इसमें आर्म परेड में SAF को प्रथम स्थान मिला। वहीं नॉन आर्म परेड के जो ग्रुप हैं उसमें NCC जो जूनियर गर्ल्स थी केंट स्कूल की उन्हें प्रथम स्थान मिला है। इसके साथ ही साथ बेस्ट परेड के लिए स्काउट एंड गाइड और शौर्य दल को सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर आज का एक गरिमामय कार्यक्रम पूरे उत्साह और उमंग के साथ मुख्य अतिथि श्री जयवर्धन सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसे हजारों लोगों ने देखा और सराहा। तो दर्शकों आज की हलचलों में अब बस इतना ही, कल फिर नई हलचलों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अनुमति। आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस प्लस की दुनिया में, हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवा, कैमरामैन देवेंद्र और पवन कुशवा के साथ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। ये शान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आए रंग दे बसंती तेरी राहों में जा।
वचन नए वचन ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया आई लव माई इंडिया यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा